हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम रिशाली मैम फ्रॉम वी एम अकेडमी क्लासेस नासिक हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इलेवेंथ साइंस का सिलेबस और आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इलेवेंथ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर नाइन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन तो जो ग्रुप थर्टीन होता है उसे बोरॉन फैमिली कहा जाता है ग्रुप फोर्टीन को कार्बन फैमिली कहा जाता है और ग्रुप फिफ्टीन होता है नाइट्रोजन फैमिली तो इन तीनों ग्रुप के बारे में हमें अच्छे से डिस्कस करना है लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने देखे थे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड टू उसको जैसे डिटेल में देखा था वैसे ही इन तीनों ग्रुप को हमें आज डिटेल में देखना है तो आज का लेक्चर नंबर वन तो लेक्चर नंबर वन में हम थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोडक्शन और उसके साथ हम देखेंगे इन तीनों ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यग्रेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो चलो स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यग्रेशन ऑफ ग्रुप थर्टीन फोरटीन एंड फिफ्टीन एलिमेंट्स लेक्चर नंबर वन चैप्टर नंबर नाइन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंडमी नासिक तो चलो इंट्रोडक्शन देखना है हमें इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है इंट्रोडक्शन के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टी फिर कैटेनेशन फिर एलोट्रॉपी फिर मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स उसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ द नोटेबल कंपाउंड्स ऑफ़ द इलेमेंट ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन तो छोटा सा चैप्टर है पाँच छह लेक्चर में खत्म हो जाएगा तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें देखना है आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चन है पेज नंबर वन ट्वेंटी थ्री पे क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन बड़ा है सुनो क्वेश्चन या पे बुक में भी देख सकते हो इफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इलेमेंट इज थ्री एच टू थ्री पी वन ये क्या है वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. अगर वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या ऐसा है इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियडिक टेबल द इट इज प्लेस तो कौन से ब्लॉक में ये क्या होगा प्लेस होगा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा थ्री एस टू थ्री पी वन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब होगा तो कौन से ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में इसे जगह मिलेगी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या होता है द एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थ्री एय टू थ्री पी वन मस्ट बी प्लेस इन पी ब्लॉक क्यों पी ब्लॉक में क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो पी इलेक्ट्रॉन है तो पी शेल में गया है थ्री पी में पहला इलेक्ट्रॉन गया है या तो ये ये इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं कर सकते तो लास्ट सेल कौन सा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर हुआ है तो इट शुड बी बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक और ये जो ग्रुप थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन है ये भी पी ब्लॉक के एलिमेंट से। तो ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा पी ब्लॉक को बिलोंग करेगा तो अभी पी ब्लॉक का नाम आया ही है तो थोड़ा सा पी ब्लॉक के बारे में भी जान लेते हैं वॉट इज पी ब्लॉक तो हमने जो लास्ट चैप्टर देखा था एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड टू वो दोनों मिलके क्या होता था एस ब्लॉक कंप्लीट होता था हमें पी ब्लॉक आधा इलेवेंथ में देखना है और आधा पी पी ब्लॉक हमें ट्वेल्थ में देखना है मतलब ग्रुप थर्टीन फोटीन फिफ्टीन हम देखेंगे इलेवेंथ में और ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एटीन हम देखेंगे ट्वेल्थ में तो ऐसे छः ग्रुप को मिला क्या होता है पी ब्लॉक फॉर्म होता है तो जो इलेमेंट्स होंगे विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे एंटर करना चाहिए जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी और बाइटल में एंटर करता है किसी भी एलिमेंट का डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है उसे या उसके उसे क्या कह सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा जब वो पी और बाइटल में एंटर करता है उसका आउटर मोस्ट सेल पी और बाइटल जब होता है तब उन एलिमेंट को क्या कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट ओके तो पीरियडिक टेबल में ऐसे ही होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में एंटर करेगा उस ब्लॉक को वो इलेमेंट क्या करता है बिलोंग करता है तो अगर जिन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा पी ऑर्बिटल में जाएगा वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेंगे पी ब्लॉक को बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्मिलेटेड इन द पी ऑर्बिटल तो पी ऑर्बिटल हमें पता है पी ऑर्बिटल क्या होता है तीन बॉक्स होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते एक हो सकता है थ्री पी वन हुआ तो कैसे स्ट्रक्चर होगा ऐसे सी थ्री पी टू हुआ तो कैसे स्ट्रक्चर होगा ऐसे सी थ्री पी थ्री हुआ तो कैसे स्ट्रक्चर होगा ऐसे थ्री पी फोर हुआ तो कैसे स्ट्रक्चर होगा ऐसे थ्री पी फाइव के लिए दिस वन एंड थ्री पी सिक्स के लिए कैसे हो सकता है दिस वन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सेंटर हो सकते वन से लेकर सिक्स तक तो यहाँ पे कितने 6 ग्रुप होंगे सिक्स ग्रुप होंगे ग्रुप थर्टीन ग्रुप फोरटीन ग्रुप फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये होगा ग्रुप थर्टीन का ये होगा ग्रुप फोरटीन का ये होगा ग्रुप फिफ्टीन का ये सिक्सटीन ये सेवनटीन और ये होगा इनर्ड गैस का नोबेल गैस का ग्रुप 18 का तो टोटल कितने ग्रुप को इन्वॉल्व करता है पी ब्लॉक तो यहाँ पे टोटल सिक्स ग्रुप को क्या करेगा पी ब्लॉक इन्वॉल्व करेगा ओके okay, क्योंकि इसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्मिलेटेड इन पी और बाइटल थ्री पी और बाइटल थ्री होते तीन बॉक्स होते प्री और बाइटल कंटेन सिक्स ग्रुप तो सिक्स ग्रुप कंटेन करता है ये ग्रुप थर्टीन से लेकर ग्रुप एटीन तक कितने सिक्स ग्रुप को ये कंसिस्ट करता है इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो इन तीनों को हम देखेंगे इलेवेंथ में और इन तीनों को हम देखेंगे ट्वेल्थ में तो पूरा पी ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ओके okay. तो ये जो पी ब्लॉक होता है ये एलिमेंट जो होते हैं ये शो करते हैं ग्रेट वेरिएशन तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होता है प्रॉपर्टीज में एज कंपेयर टू द एस ब्लॉक अगर एस ब्लॉक से कंपेयर करूंगे तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होता है ओके okay. तो चलो देखते हैं कि हमें जो तीन ग्रुप देखने हैं तो उनमें कौन से कौन से एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं तो नेम देखते है. तो पहला हम देखेंगे ग्रुप थर्टीन जैसे मैंने बताया इसे क्या कहा जाता है बोरॉन फैमिली जो पहला मेंबर होता है ना एलिमेंट उसकी फैमिली कहा जाता है उसे तो इसका पहला मेंबर कौन है बोरॉन कभी कभी क्वेश्चन आता है राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप थर्टीन कौन से कौन से एलिमेंट होंगे तो पहला होगा बोरॉन सिंबल होगा बी एटॉमिक नंबर होगा फाइव अभी एटॉमिक नंबर बेस में लिखा हुआ होगा ओके okay. दूसरा मेंबर होगा इसका एल्यूमिनियम एल होगा सिंबल एटॉमिक नंबर होगा थर्टी तीसरा मेंबर होगा इसका गैलियम एटॉमिक नंबर होगा इसका थर्टी वन Ga जी एटोमिक नंबर थर्टी वन नेक्स्ट होगा इंडियम एन एटोमिक नंबर होगा फोर्टी नाइन उसके बाद नेक्स्ट मेंबर होता है इसका लास्ट मेंबर यहां पे लिख देती हूं मैं थैलियम (Tl) होता है और एटी वन एटोमिक नंबर होता है ओके तो ये क्या होंगे ग्रुप थर्टीन के बोरॉन फैमिली के मेंबर से तो देखो बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम तो ऐसे आपको याद रखना है बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम और एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखना है यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त एटॉमिक नंबर एट से क्या होगा इंक्रीज होगा यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त एटीन से इंक्रीज होगा यहाँ से यहाँ पे एटीन से इंक्रीज होगा और यहाँ से यहाँ पे थर्टी टू से क्या होगा इंक्रीज होगा ओके तो ऐसे क्या करोगे याद रखो कि एक का याद कर लो बाकी सीक्वेंस याद रखो एटीन से बढ़ाना है एटीन से बढ़ाना है और लास्ट में थर्टी टू से क्या होगा इंक्रीज होगा तो ये है बोरॉन फैमिली दो मार्क के लिए कभी कभी नाम आते हैं तो आप लोगों को नाम सब पता होने चाहिए बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम दूसरा हमें देखना है ग्रुप फोर्टीन जिसे कार्बन फैमिली भी कहा जाता है या इस पर भी क्वेश्चन आता है नेम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फोर्टीन तो सबसे पहला मेंबर होगा कार्बन कार्बन तो पता है क्या होता है सी सिंबल होता होता है होता है एटॉमिक नंबर इसका सॉरी सिक्स नॉट फोर सिक्स होता है दूसरा मेंबर होगा इसका सिलिकॉन एस आई ये होता है फोर्टीन तीसरा मेंबर होता है इसका जर्मेनियम जी ई एटोमिक नंबर होगा थर्टी टू उसके बाद नेक्स्ट मेंबर होता है इसका टीन एस एन सिम्बॉल है एटोमिक नंबर है फिफ्टी और नेक्स्ट मेंबर होता है इसका लीड पी और एटोमिक नंबर होगा इसका 82. टू तो ये क्या है मेंबर से ग्रुप 14 के कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन लीड इसे कार्बन फैमिली भी कहा जाता है पहला मेंबर कौन है इसका कार्बन यहाँ से यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना इंक्रीज हुआ है एट से यहाँ से यहाँ पे एटीन से यहाँ से यहाँ पे एटीन से और यहाँ से यहाँ पे थर्टी टू से ले क्या हुआ है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है ऐसे भी याद रख सकते हो तो यहाँ पे कितने मेंबर है फाइव मेंबर है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लीड तो लर्न कर लेने कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लीड तो ये कितने मेंबर है फाइव मेंबर है और इसे हम कहेंगे कार्बन फैमिली या ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स नेक्स्ट हमें देखनी है ग्रुप फिफ्टीन जिसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है एलिमेंट्स के नाम तो पहला मेंबर होगा नाइट्रोजन फैमिली मतलब पहला कौन होगा नाइट्रोजन होगा सिंबल होगा कैपिटल एन एटॉमिक नंबर है इसका सेवन दूसरा इसका मेंबर होता है फास्फोरस फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा पी सिंबल है इसका फिफ्टीन यहाँ से यहाँ पे एट से इंक्रीज होगा ना तीसरा मेंबर है इसका आर्सेनिक आर्सेनिक थोड़ा सा पॉइजनस होता है नेचर में सिंबल है एस एटोमिक नंबर है थर्टी थ्री नेक्स्ट मेंबर है इसका एंटीमनी कहा जाता है उसे एंटीमोनी भी कह सकते हो एस बी और यहाँ पे एटोमिक नंबर कितना होगा फिफ्टी वन एट से इंक्रीज हुआ एटीन से इंक्रीज हुआ एटीन से इंक्रीज हुआ अभी थर्टी टू से इंक्रीज होगा लास्ट मेंबर है इसका बिस्मत ये एक मेटल है सिंबल होगा इसका बी आई एटोमिक नंबर होगा एटी थ्री तो यहाँ पे भी कितने मेंबर है फाइव मेंबर है नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मत तो इन सबको याद रखना है सेवन फिफ्टीन थर्टी थ्री फिफ्टी वन

फिफ्टीन तो कभी कभी क्वेश्चन आता है राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्टीन ग्रुप फोर्टीन एंड ग्रुप तो elect, तो जनरल जनरल इलेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक पूछते हैं ग्रुपते होगा ग्रुप थर्टीन हम लिखेंगे उसके बाद ग्रुप फोर्टीन और उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप फिफ्टीन का तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख रहे हैं ओके तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यन क्या होगा इसका एन एच टू एन पी वन इसका होगा एन एच टू एन पी टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में चला गया एन एच टू एन पी थ्री तो इसे कहा जाता है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ग्रुप थर्टीन ग्रुप फोर्टीन और ग्रुप फिफ्टीन का अच्छे से देख लो क्या है एन एच टू एन पी वन एन एच टू एन पी टू एन एच टू एन पी थ्री कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होता है बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यगरेशन डिफर फ्रॉम द नियरेस्ट इनर्ट गैस तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इनर्ट गैस का होगा एन एच टू एन पी सिक्स ओके ये किसका है इनर्ट गैस का है मतलब जो ग्रुप एटीन के एलिमेंट है तो कितने से डिफ़र होगा तो देखो डिफर हम लिखेंगे पहले ग्रुप थर्टीन का कितने से डिफर होता है यहाँ पे ये यह डिफ़र होगा देखो इसमें वन है इसमें कितने सिक्स है तो कितने फाइव इलेक्ट्रॉन से डिफ़र होगा ग्रुप थर्टीन का ग्रुप फोर्टीन की हम बात करें तो देखो यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे टू है तो कितने फोर इलेक्ट्रॉन से और ग्रुप फिफ्टीन का इनर्ट गैस से कितना डिफरेंस होगा यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे थ्री है तो थ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होगा यहाँ पे डिफर होगा तो क्या लिख सकते हैं हम द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्टीन ग्रुप फोर्टीन एंड ग्रुप फिफ्टीन डिफर फ्रॉम द नियरेस्ट इनर्ट गैस बाय फाइव इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन एंड थ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली तो इसे क्या होगा डिफरेंस मतलब इसे इनर्ट गैसेज जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने के लिए पाँच इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ग्रुप थर्टीन को ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट को इनट इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैसेज जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने के लिए मतलब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है चार इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और यहाँ पे ग्रुप फिफ्टीन के एलिमेंट को इनर्ट गैसेज जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इतना उनमें डिफरेंस है तो हर कोई क्या चाहता है पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट चाहता है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनर्ट गैसेज जैसा हो जाए ताकि वो भी क्या हो जाए स्टेबल हो जाए तो इतना क्या होगा डिफरेंस होगा और ये डिफरेंस तय करता है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा गेन करेगा या फिर शेयर करेगा कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है इन विच फॉर्म डू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ऑकर इन नेचर कौन से फॉर्म में होंगे सॉलिड होंगे लिक्विड होंगे या फिर गैसेस में होंगे तो देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन के डू नॉट ऑकर इन फ्री मोनो एटोमिक स्टेट तो ये कभी भी फ्री मोनो एटोमिक फ्री मोनो मतलब सिंगल एटोमिक स्टेट में नहीं दिखाई देते कभी भी ऐसा नहीं होता हमेशा क्या होते हो हमेशा क्या है कंपाउंड के फॉर्म में होते तो कौन से फॉर्म में होंगे नेचर में कंपाउंड के फॉर्म में ही हमेशा आकर होते कभी भी फ्री नहीं होते तो ये क्या होते हैं ये कौन से कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं पॉली एटोमिक मोलिक्यूल तो पॉली एटोमिक मोलिक्यूल क्या होते हैं मतलब मेनी पॉली मतलब मैनी एटोमिक मतलब एटम तो पॉली एटोमिक मोलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं ये फॉर्म कर सकते हैं कभी भी फ्री स्टेट में ये प्रेजेंट नहीं होते हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में होते तो so, जैसे नाइट्रोजन होगा एन टू के फॉर्म में फॉस्फोरस होगा पी फोर के फॉर्म में कार्बन होगा यहाँ पे सी सिक्सटी के फॉर्म में तो ऐसे क्या है और इसके साथ साथ पॉली पौ, एटोमिक कोवैलेंट क्या है यहाँ पे? अरे भी फॉर्म करते जैसे ग्राफाइट होगा डायमंड होगा तो ऐसे फॉर्म में नेचर में ये प्रेजेंट होते हैं और कौन सा एग्जांपल है ग्राफाइट के फॉर्म में होंगे ये बॉन्ड होता है इसके इस इनके बीच में और डायमंड के फॉर्म में ये क्या होते हैं नेचर में प्रेजेंट होते कभी भी फ्री ऐसे नहीं दिखेगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन ऐसे सिंगल फॉर्म में कभी भी नहीं हो सकते हमेशा क्या होंगे पॉली एटोमिक मोलिक्यूल या पॉली एटोमिक कोवैलेंट अरे के फॉर्म में जैसे एन टू पी फोर सी सिक्सटी उसके बाद ग्राफाइट, डायमंड इन फॉर्म में हमेशा नेचर में दिखाई देते तो चलो अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है पहले हम बात करेंगे ग्रुप थर्टीन की ओके okay. तो हमेशा कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही एग्जाम में पूछा जाता है तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो बोरॉन जे हुए मैं एक का लिख के दिखाती हूँ बाकी का हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा वन एच टू टू एच टू टू पी वन बट ये अगर देखा जाए तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हीलियम का तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या होगा इसका हीलियम और हीलियम के साथ क्या होगा 2s2 2p1 ओके तो अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे नेक्स्ट मेंबर इसका होता है एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर होगा थर्टीन तो एल्यूमिनियम का नियरेस्ट कौन सा है इनर्ट गैस है न्यून न्यून का एटॉमिक नंबर होगा टेन बाकी क्या रहेगा थ्री 3p1 टू थ्री पी वन नेक्स्ट मेंबर है इनका गैलियम जी ए एटोमिक नंबर है थर्टी वन इसका इनर्ड गैस कौन सा है नियरेस्ट अरगोन अर्गॉन फोर एस टू फोर पी वन थ्री डी टेन रह गया सॉरी थ्री डी टेन भी होगा ना थ्री बी थ्री डी टेन फोर एस टू फोर पी वन नेक्स्ट इनका मेंबर है इंडियम। आई एन एटोमिक नंबर है फोर्टी नाइन इसका नियरेस्ट कौन है क्रिप्टन के आर उसके बाद आएगा फोर डी टेन फोर एच टू सॉरी फाइव एच टू फाइव एच टू फाइव पी वन ओके ये हो गया इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यग्रेशन नेक्स्ट आता है यहाँ पे नेक्स्ट मेंबर है इसका थैलियम तो टी एल एटोमिक नंबर है एटी वन दिख रहा है ना ओके इसका नियरेस्ट गैस है इनर गैस जेनॉन जेनॉन के बाद आएगा यहाँ पे फोर एफ फोर्टीन फाइव डी टेन फोर सॉरी सिक्स चाहिए अभी सिक्स एस टू सिक्स पी वन तो ये हो गए इनके कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये ग्रुप कौन सा है बोरॉन फैमिली है ग्रुप थर्टीन के कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हमें देखने हैं ग्रुप फोर्टीन के तीनों के देख लेते फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए उनको भी देखते तो ग्रुप फोर्टीन कौन सा ग्रुप फोर्टीन क्या है कार्बन फैमिली मैं ये नाम जानबूझ के लिख रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसे नाम एग्जाम में आ जाते पहला मेंबर है कार्बन सिक्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा वन एस टू टू 2p2 टू टू पी टू तो ये किसका है हेलियम का तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा हेलियम टू 2p2 टू टू पी टू ओके तो नेक्स्ट मेंबर कौन है इनका नेक्स्ट मेंबर है सिलिकॉन एटॉमिक नंबर फोर्टीन नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है इसका न्यून यहाँ पे होगा थ्री 3p2 टू थ्री पी टू उसके बाद नेक्स्ट मेंबर है इनका जर्मेनियम एटॉमिक नंबर है थर्टी टू नियरेस्ट इनर गैस कौन है इसका आर्गन है थ्री डी टेन फोर एस टू फोर पी टू उसके बाद नेक्स्ट मेंबर कौन ने है इसका टीन फिफ्टी एटॉमिक नंबर है इसका नियरेस्ट गैस कौन है क्रिप्टॉन है फोर डी टेन फाइव एस टू फाइव पी टू नेक्स्ट है इसका लीड पी बी एटोमिक नंबर है एट्टी टू दिख रहा है ना ओके okay. इसका नियरेस्ट गैस कौन है जेनॉन यहाँ पे होगा फोर एफ फोटीन फाइव डी टेन सिक्स एस टू सिक्स पी टू तो ये हो गया कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप फोर्टीन कार्बन फैमिली ओके उसके बाद हमें थर्ड देखना है ग्रुप फिफ्टीन का तो ग्रुप फिफ्टीन को क्या कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली तो ये होगा नाइट्रोजन फैमिली तो चलो इसका भी देख लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली का कैसे होगा पहला मेंबर है इसका नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का यहाँ पे सेवन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होगा वन टू टू 2p3 टू टू पी थ्री ये तो हेलियम का है तो कंडेंस क्या हो जाएगा हेलियम उसके साथ टू 2p3 टू टू पी थ्री ओके उसके बाद नेक्स्ट मेंबर है इसका फास्फोरस एटॉमिक नंबर है फिफ्टीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा कंडेंस नियरेस्ट इनर्ड गैस को ने नियॉन थ्री 3p3 टू थ्री पी थ्री नेक्स्ट मेंबर है इसका आर्सेनिक थर्टी थ्री नीर नीरेस्ट इलेक्ट गैस कौन है अर्गॉन है थ्री डी टेन फोर एच टू फोर पी थ्री नेक्स्ट है कौन है एस बी एंटी मनी फिफ्टी वन एटोमिक नंबर है नियरेस्ट है यहाँ पे क्रिप्टॉन फोर डी टेन फाइव एच टू फाइव पी थ्री नेक्स्ट लास्ट मेंबर है इसका बसमत एटी टू एटोमिक नंबर है उसका एटी थ्री है सॉरी नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है इसका जेनॉन फोर एफ फोर्टीन फाइव डी टेन सिक्स एस टू सिक्स पी थ्री तो ये हो गया इले, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगुरेशन ऑफ ग्रुप फिफ्टीन मतलब नाइट्रोजन फैमिली तो इसे कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्योगेशन को क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा तो चलो इस पे जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है देखो क्वेश्चन है राइट कंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट तो कौन से कौन से एलिमेंट दिए देखो पहला उन्होंने दिया है एल्युमिनियम थर्टीन तो एल्यूमिनियम थर्टीन किसका मेंबर है बोरॉन फैमिली का मेंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन क्या हो जाएगा नियरेस्ट एन न्यू ऑन थ्री एस टू थ्री पी वन ऐसे हो जाए ओके नेक्स्ट उन्होंने पूछा है इंडियम फोर्टी नाइन ये भी किसका मेंबर है ये भी बोरॉन फैमिली का है इसका नियरेस्ट इनर गैस है यहाँ पे क्रिप्टॉन फोर डी टेन फाइव एस टू फाइव पी वन नेक्स्ट उन्होंने पूछा है सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर भी दिया है फोर्टीन ये कार्बन फैमिली का मेंबर है नियरेस्ट इनर्ड गैस से न्यून न्यून के बाद आएगा थ्री एस टू थ्री पी टू उसके बाद उन्होंने पूछा एस एन लीड एटोमिक नंबर फिफ्टी ये भी कार्बन फैमिली का मेंबर है इनर्ट गैस कितना है, कौन है इसका क्रिप्टॉन इनर्ड गैस नियरेस्ट क्रिप्टॉन फोर डी टेन फाइव एस टू फाइव पी टू ओके ये चार हो गए और दो पूछे उन्होंने नेक्स्ट उन्होंने पूछा है यहाँ पे फास्फोरस फिफ्टीन तो फास्फोरस का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है न्यून थ्री एस टू थ्री पी थ्री नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है ये ओके उसके बाद उन्होंने पूछा है आर्सेनिक एटॉमिक नंबर थर्टी थ्री ये भी किसका मेंबर है नाइट्रोजन फैमिली का है नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है इसका यहाँ पे अर्गन है थ्री डी टेन फोर एस टू फोर पी थ्री तो ऐसे क्या होगा कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ओके तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आप क्या करो जो तीनों ग्रुप है उनका आप सिंपल लिखो और सिंपल से कंडेंस लिखो तो यहाँ पे अर्गॉन है मतलब यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा इसका ये भी समझ लो तो अर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है एटीन तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स इतना क्या होगा यहाँ तक कॉमन और उसके साथ ये जुड़ जाएगा थ्री डी टेन फोर एस टू फोर पी थ्री तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्योगेशन होगा आर्सेनिक का मतलब हम जो लिख रहे बॉक्स में तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यगरेशन इतना है ये हमें पता है तो इसे कहा जाता है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्योगेशन जब कंडेंस पूछा जाए तो आपको कंडेंस ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यग्रेशन है और ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यग्रेशन है जब हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो उसमें हमने डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन को देखा है तो आज के लिए इतना ही था बच्चों आज हमने इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन देखा छोटा सा टॉपिक था आज का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द ट्रेंड्स इन द एटोमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन तब तक के लिए पढ़ते रहिए नोट्स बनाइए खुद का ख्याल रखिए थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स